राजेशला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रॉट पर चर्चा करेंगे, अपकृत विधि पर चर्चा करेंगे। अपकृत विधि को लेके बहुत ज्यादा समस्या रहता है बच्चों में, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये आपके उत्तर प्रदेश में पीसीएसजे में मुख्य परीक्षा में सिलेबस में रखा गया है, एचजेएस में रखा गया है, बिहार में मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों में रखा गया है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ एकेडमिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी एलएलबी में ये सिलेबस में रखा जाता है। तो टॉट है क्या? ठीक है, देखिए टॉट का मतलब होता है गलत कार्य। ठीक है, एक गलत कार्य करना जिसे विधि मान्यता ना देती हो उसी को हम यहाँ टॉट कहते हैं, अपकृत कहते हैं। ठीक है, यानी जो विधि के खिलाफ कार्य किया जाए। लेकिन अपकृत अपराध संविदा न्यास, ठीक है, ये सब अलग अलग टर्म है, अलग अलग शब्द है। ठीक है, सब में थोड़ा अंतर है। प्राचीन काल में अपकृत अपराध संविदा में कोई अंतर नहीं था, सब एक ही माना जाता था। ठीक, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां जैसे बदलती गई, ठीक है, विकास जैसे जैसे होता गया, सभी में अलग अलग अंतर किया गया। तो हम लोग इसी पूरे अपकृत विधि पर चर्चा करेंगे, पूरे अपकृत विधि को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इस पे एक एक करके सारे वीडियो बनाए जाएंगे आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना होने पाए सारे वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। आप अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें, इसके लिए आपको हर एक वीडियो, ठीक है, चाहे वो टॉट विधि पे हो या अदर लॉज पे हो, सब पे आपको समय समय पे उपलब्ध होता रहेगा। जरूरत है आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपकृत विधि को समझेंगे कि अपकृत विधि, ठीक है, अपकृत विधि का जन्म कहां से हुआ, अपकृत विधि भारत में किस स्तर तक लागू है, ठीक है, ये होता क्या है, क्या इसके सैद्धांतिक पहलू हैं, क्या इसके व्यवहारिक पहलू हैं, दोनों पे विधिवत चर्चा की जाएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपकृत विधि, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्राचीन काल में, ठीक है, देखिए धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है, एकाएक किसी सभ्यता का विकास नहीं होता है। मानव की उत्पत्ति हुई इस धरती पे, मानव की उत्पत्ति जिस समय हुई होगी उस समय का सिचुएशन और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर हो गया है, बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। आप अपने बचपन की स्थिति को देख लें, ठीक है, अगर आप इस समय 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष की एज में हैं, तो आप अपने बचपन की स्थिति को अगर देख लें और आज की स्थिति को देख लें तो बहुत ज्यादा आपको अंतर मिलेगा। ठीक, जो सुविधाएं आपको 20 साल 25 साल में मिली, जिनके बारे में आप 20 साल के बाद जान पाए, वो सुविधाएं आज उन बच्चों को, ठीक है, जो जन्म ले रहे हैं उसी समय उन्हें मिल जा रही हैं। एक साल दो साल तीन साल में वो सुविधाएं मिल जा रही हैं। जो चीजें हम लोग 20 साल बाद जाने आफ्टर ग्रेजुएशन हमको पता चल पाया, वो सब बच्चों को नर्सरी में पता चल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो विकास की गति है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है, जैसा कहा जाता है प्राचीन काल में मनुष्य बंदरों जैसा था, ठीक है, जंगलों में रहते थे, तो जाहिर सी बात है तब आवासीय मकान कहां बने रहे होंगे, सब तो जंगल ही रहा होगा, नेचर में तो सब जंगल ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रकृति सब जंगल होना चाहिए। लेकिन जंगलों को काट काट के हम लोगों ने उसे अन्य रूपों में परिवर्तित किया। तो मानव का विकास धीरे 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 दिन प्रतिदिन होता गया, आज हम लोग एक नई स्ट्रीम में पहुंचे हुए हैं। तो शुरू में कोई भी गलत कार्य अगर किसी व्यक्ति से हो जाए, कुछ भी किसी से कोई नुकसान किसी का हो जाए, ठीक है, तो वो टॉट माना जाता था, उसको अपराध भी माना जाता था। मतलब अपराध में अपकृत में संविदा में खास अंतर ही नहीं था,
अपराध और अपकृत में तो बहुत बाद में जाके अंतर किया गया, ठीक है, कि मेंटल एलिमेंट के आधार पे अंतर किया गया कि मानसिक तथ्य, यानी जिस कार्य में, ठीक है, जिस कार्य में हमारे शरीर के पार्ट के साथ साथ हमारा मस्तिष्क का कनेक्शन जुड़ा हुआ हो वो कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा। जरा समझिएगा, जैसे ये मेरा शरीर का पार्ट है, ठीक है, मेरे शरीर का कोई भी अंग, शरीर का अंग कोई भी अंग, ठीक है, चाहे वो हमारा मुख हो, चाहे हमारी आंख हो, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारा पैर हो, चाहे हमारा सर हो, ठीक है, इन सबके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, यानी शरीर के अंग द्वारा या शरीर के माध्यम से, आप कह लीजिए कि शरीर के माध्यम से किया गया कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता है जब तक उसमें मस्तिष्क का कनेक्शन ना हो, ठीक है, यानी वो दुराशय युक्त कार्य ना हो। केवल हमारे शरीर से किया गया प्रत्येक कार्य अपराध नहीं हो सकता जब तक वो दुराशय युक्त ना हो, यानी यहाँ का कनेक्शन भी उसके साथ ना हो, यानी जो कार्य से मैं हाथ से कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, या मेरा आशय यही है कि मैं उसको फाड़ दूं, मैं किताब का नुकसान कर दूं, जला दूं, ठीक है, तो इसका मतलब कि हाथ से तो काम हो रहा है उसको तोड़ने फोड़ने का, लेकिन यहाँ इसका कनेक्शन भी है, इसमें मस्तिष्क का कनेक्शन भी है कि ये जो कुछ कर रहा है हैंड हमारा, ये यहां से नियंत्रित हो रहा है, तो जब यहां से ये रेगुलेट हो रहा है कुछ करेगा तो उसी को अपराध की श्रेणी में रखा गया, और जो कार्य इस हाथ से हो रहा हो या शरीर के किसी भी पार्ट से कोई कार्य हो रहा हो लेकिन यहां इसका संचालन उसमें ना हो रहा हो, यहां से उसको आर्थिंग ना मिल रही हो, तो वो कार्य अपराध नहीं है, ठीक, उसे अपकृत के श्रेणी में रखा गया। लेकिन कभी अगर इस हाथ से कुछ भी गलत हो गया, इस शरीर से कुछ भी गलत हो गया, तो वो अपराध माना जाता था। लेकिन अपराध अपकृत संविदा को सब धीरे धीरे अलग किया गया, सबके भंग होने पे, सबके नुकसान होने पे अलग अलग उपचार की व्यवस्था की गई, तो उसी में से एक अपकृत है। अपकृत का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये सब पे विधिवत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो आप समझिए, अपकृत का मतलब ही है गलत कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिसे विधि अनुमति नहीं देती है, ठीक है, जिसे विधि का समर्थन नहीं है, ऐसे कार्य को अपकृत की श्रेणी में रखा गया। लेकिन वो अपराध और संविदा से भिन्न होना चाहिए, यानी वो ऐसा नुकसान हुआ हो मुझसे जो हमारे और अन्य व्यक्ति के प्रति कोई संविदा ना हुई हो, कोई समझौता ना हुआ हो, और दूसरा वो ऐसा कार्य ना हो जिसके करने पे सजा का प्रावधान, यानी ऐसा कोई कार्य जिसके करने पे गलत, ऐसा कोई गलत कार्य जिसके करने पे ना तो दंड का प्रावधान हो और ना वो किसी पक्षकार के मध्य कोई समझौता हुआ हो, प्रॉमिस ना हुआ हो, ठीक, उसी को अपकृत के श्रेणी में रखा गया है, उसी को अपकृत के श्रेणी में रखा गया, उसी को टॉर्ट की श्रेणी में रखा गया है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर आप कोई सामान पैर से तोड़ देते हैं, जैसे जा रहे हैं पैर लग गया, उसका नुकसान हो गया, ठीक है, आपने एकाएक, ठीक है, खड़े हुए हाथ आराम से ऐसे फैलाए, पीछे किसी को लग गया, तो क्या आपने जान के मारा है, क्या आपका आशय था मारने का, क्या अगले के मध्य कोई संविदा हुई थी कि भाई हमें जब हम उधर से मिले तो किसी का हाथ मेरे ना लगे, ऐसी तो कोई संविदा नहीं थी, तो ये क्या होगा, ये टॉट की श्रेणी में आएगा, इसी को हम अपकृत कहेंगे, ठीक। आप पानी फेंक रहे थे, ठीक है, घर में पानी भरा हुआ था, कहीं पानी भरा हुआ था, आप ऐसे फेंक रहे थे, एकाएक कोई व्यक्ति उधर से आ गया जबकि वो रास्ता बंद था, लेकिन आप फेंक रहे थे पानी, रास्ता बंद था, फिर भी वो कोई व्यक्ति एकाएक उधर से गुजर गया, आप पानी फेंक रहे थे और पानी उसके कपड़े पे पड़ गया, तो नुकसान तो उसका हुआ ना, तो ये अपकृत में जाएगा, ये ना तो अपराध है, हाँ जानकर अगर फेंक दे तो ये ऑफेंस बन जाएगा, दृष्टि का अपराध बन जाएगा। तो इस तरह से अपकृत अपराध से भिन्न होता है,
दोनों विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग किए जाते हैं, लेकिन एक के लिए दंड का प्रावधान होता है, एक के लिए दंड का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, यही अपकृत और अपराध में मुख्य अंतर है कि अपकृत जो होता है उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं होता है, वो व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, जबकि अपराध जो है दंड का प्रावधान होता है वो समाज के प्रति होता है। और अपराध के लिए मेंसरिया का होना जरूरी होता है, नॉलेज का होना जरूरी होता है। अपकृत के लिए ना तो मेंसरिया की जरूरत है ना नॉलेज की जरूरत है, ठीक है, ना ही उसके लिए अपराध होना चाहिए कार्य। तो उसी तरह से संविदा भंग में जब दो व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, और उस समझौते को भंग किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तब वो संविदा भंग होता है। तो अपकृत संविदा भंग से भिन्न होता है। इन सब पे हम विधवत आप लोगों को समझाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कुछ तो अपकृत के बारे में हमने शब्द लिखे हैं भी बताएंगे। यहाँ एक लिखे कि यह अधिनियमित नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है। कुछ बच्चे जाते हैं दुकानों पे तो कहते हैं कि हमें जो है बेरेक दे दीजिए टॉट का, तो टॉट का बेरेक नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने अधिनियमित नहीं किया है, इस पे कोई कानून नहीं बना हुआ है। ये कोई इसमें जो है जिस तरह से पार्लियामेंट औपचारिक तरीके से कानून बनाती है उस तरह से इस पे कोई लॉ नहीं बना हुआ है, यानी ये अधिनियमित नहीं है, इनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या है फिर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ की तो देन है नहीं अपकृति, ठीक है, ब्रिटेन से चल के आई है, इंग्लैंड से चलकर आई है, तो वहां जिस कार्य को अपकृत माना जाता है उसी कार्य को लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हमारे यहाँ भी लागू किया गया है, व्यवहार में ये बहुत ज्यादा लागू नहीं। तो ये ध्यान रखिए ये अधिनियमित नहीं है। हाँ, इसमें बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, सबसे अच्छी बुकों में आर बांगिया की बुक मानी जाती है। किसकी? आर बांगिया की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है, आप मार्केट में उपलब्ध है, ले सकते हैं। ठीक, हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित हो रही है। ठीक है, जिस किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में एंट्री लेना है, वो तुरंत ठीक है संपर्क सूत्र पे कॉन्टेक्ट करे और क्लास के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। ठीक है, जो संपर्क सूत्र है 9161, ठीक है, 9161113061, 9161113061 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो भी आपको सुटेबल हो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी विषय पे कोई विधिक परामर्श आपको लेना है तो आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अपकृत विधि को दो भाग में बांटा गया। ये दो भाग क्या है? एक सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष का मतलब होता है कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जो हर प्रकार के अपकृत्यात्मक कार्यों पे लागू होते हैं, हर प्रकार के टॉर्टस लायबिलिटी पर लागू होते हैं। तो ये सिद्धांत बताए गए हैं, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये व्यवहारिक पक्ष है जो पर्टिकुलर अपराध के नाम से, मतलब अपकृत के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से कार्य अपकृत की श्रेणी में आते हैं वो यही व्यवहारिक पक्ष में मैंने इसको बताया है। और ये तो सिद्धांत है, ये सब क्या है? ये सिद्धांत है और ये व्यवहारिक पक्ष है। ये सिद्धांत इस अपकृत पे लागू होते हैं, ठीक है, और इसी के लिए हम केस फाइल करते हैं। केस इसके लिए नहीं फाइल करते हैं, जब हम मुकदमा दाखिल करेंगे तो इसके लिए दाखिल करेंगे कि हमारे साथ हम पे हमला किया गया है, संप्रहार किया गया है, बल किया गया, मिथ्या कारावास किया गया, समझाएंगे इसको। तो ये सैद्धांतिक पक्ष है और इधर का व्यवहारिक पक्ष है। ठीक, अब जो सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है, इसको समझने से पहले जरा यहाँ अपकृत के बारे में थोड़ा समझिए। ये प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है, फ्री में आपसे पूछा जा सकता है कि अपकृत क्या है। ये टॉट शब्द का हिंदी अनुवाद किया गया, ठीक है, टॉट शब्द का हिंदी में अपकृत शब्द कहते हैं, अपकृत को हम इंग्लिश में टॉट कहते हैं, तो वही है हिंदी में अनुवाद। लैटिन के टॉटम शब्द से ये बना हुआ है, किसके? लैटिन के टॉटम शब्द से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, तोड़ना मरोड़ना इसका मतलब है, तोड़ना मरोड़ना का मतलब होता है कि विधि की अवज्ञा करना, कानून के द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य को भंग करना ही तोड़ना मरोड़ना शब्द कहलाता है, यानी गलत कार्य करना। अंग्रेजी के रॉन्ग शब्द का यह पर्यायवाची है, अंग्रेजी के रॉन्ग शब्द, रॉन्ग मतलब गलत होता है, उसी का पर्यायवाची है। ठीक, तो टॉट का मतलब ही है गलत कार्य करना। ठीक,
सैद्धांतिक पक्ष पे अब आते हैं, ये सिद्धांत बताए गए हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, अलग अलग वीडियो इस पे भी लेकर आएंगे, और उधर व्यवहारिक पक्ष बताया गया है उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास लगातार संचालित हो रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से इस संपर्क सूच पे आप जो है संपर्क करके जो भी आपको सुटेबल हो उस हिसाब से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपकृत की परिभाषा, ठीक है, अपकृत की परिभाषा क्या है? तो अपकृत की परिभाषा यानी टॉर्ट की डिफिनीशन क्या होगी? तो सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष में टॉर्ट की डिफिनीशन हम लोग समझेंगे। अगला है अपकृत की प्रकृति, इसका नेचर क्या है, टॉर्ट का नेचर क्या है, ठीक है। दूसरा है भारत में अपकृत विधि, भारत में इसका क्या रोल है, अपकृत विधि का भारत में क्या रोल है, इसको भी देखा जाएगा कहां तक लागू है, बहुत ज्यादा व्यवहार में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, उसके पीछे के क्या कारण है कि भारत में अपकृत विधि का विकास बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है, जिस समय जिस तरह से ये यूरोप कंट्रीज में है। उसके बाद है अपकृत का अंतर, यानी अपकृत का संविदा से अंतर, न्याय से अंतर, अपराध से अंतर, ठीक है, अपकृत एवं अपराध में क्या अंतर है, अपकृत एवं न्यास में क्या अंतर है, अपकृत एवं संविदा में क्या अंतर है, ठीक है, तो ये अंतर भी सैद्धांतिक पक्ष में ही पढ़ा जाएगा। विधिक क्षति क्या होता है, हानि क्या होता है, इसी पे मैक्सिम चलता है, जहां उपचार है वहां अधिकार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, ये अलग दो दो मैक्सिम है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, यूवी जस एवी रेमेडियम, एवी जस यूवी रेमेडियम, ठीक। उसके बाद बिना क्षति के हान, क्षति के बिना हान, ठीक है, बिना क्षति के हान, क्षति के बिना हान, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक। तो ये इन सब पे चर्चा किया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब सिद्धांत है। उसके बाद क्षमता की बात की गई है कि कौन लोग अपकृत कार्य करने के लिए सक्षम है, कौन सक्षम नहीं माने जाते, जैसे कोई माइनर है तो सक्षम माना जाएगा कि नहीं, पत्नी के बीच क्या अपकृत कार्य हो सकता है या नहीं, तो उसपे भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद यहाँ लायबिलिटी की बात की गई है, प्रतिनिधिक दायित्व, ठीक है, वैकेरियस लायबिलिटी इसको कहते हैं, प्रतिनिधिक दायित्व में जैसे सामान्य नियम तो ये होता है कि हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए केवल दायी होता है, ना कि दूसरों के कार्यों के लिए, लेकिन प्रतिनिधिक दायित्व में कभी कभी हम ना केवल अपने किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए बल्कि अन्य के द्वारा भी किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए हम दायी हो जाते हैं, उसी को प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। तो प्रतिनिधिक दायित्व में कब हम अपने कार्यों के साथ साथ दूसरे के भी दोषपूर्ण कार्यों के लिए दायी होते हैं और कब नहीं होते हैं, उसी को यहाँ प्रतिनिधिक दायित्व में पढ़ना है। फिर राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व क्या होता है, यानी स्टेट का वैकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, तो इसको भी हमें देखना है। प्रतिनिधिक दायित्व में जैसे मालिक अभिकर्ता का दायित्व क्या होता है, ठीक है, और अभिकर्ता ठेकेदार के मध्य क्या क्या लायबिलिटी होती है, तो ये सब इस पे चर्चा किया जाएगा। उसके बाद है संयुक्त एवं स्वतंत्र अपकृतकर्ता, ठीक है, यानी ऐसा अपकृतकर्ता जो संयुक्त हो, जैसे गाड़ी आमने सामने से दो लोगों की लड़ गई, चोटें पहुंची, तो इसमें किसको दोषी ठहराया जाए, किसको दोषी ना ठहराया जाए, ठीक। कोई रोड पे अपनी गाय बांध रखा था, बकरी बांध रखा था, उधर से कोई गाड़ी आई, बकरी से टकरा गई, बकरी की मृत्यु हो गई, उधर से कोई गाड़ी आई या दोनों गाड़ियां आपस में उस बकरी के बंधे होने की वजह से टकरा गई उसको बचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या तीनों को दोषी माना जाए बराबर बराबर, या किसी एक को दोषी माना जाए, ठीक है। इसी पे कई सारे सिद्धांत चलते हैं, अंतिम अवसर का सिद्धांत, ठीक है, कि अंतिम अवसर किसके पास था उसे बचाने के लिए, तो इस तरह से प्रतिनिधिक दायित्व और राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व, ठीक है, इस दोनों पे हम लोगों को पढ़ाना है। संयुक्त एवं स्वतंत्र अपकृतकर्ता में संयुक्त लायबिलिटी कब होती है, कब सेपरेट लायबिलिटी होती है। फिर है क्षति की दूरस्ता, कितनी क्षति के लिए हम दोषी माने जाए, यानी अपकृत कार्य के लिए हम कितना दूर तक दोषी माने जाए, क्योंकि दूरस्ता का मतलब होता है कितनी दूर तक, जैसे कि एक व्यक्ति गलत तरीके से साइकिल चलाते हुए आ रहा था और दूसरे से साइकिल से टकरा गया, एकाएक, ठीक है, नहीं देख पाए, बिल्कुल किसी का कोई दोष नहीं उसमें, लेकिन क्या हुआ कि वो व्यक्ति साइकिल पे ब्लड टांग रखा था और हॉस्पिटल में ले जा रहा था पेशेंट को देने के लिए, वो जो है थैली गिर गई और फट गई, उस थैली के गिर जाने और फट जाने की वजह से वो व्यक्ति
जो है खून को जो है हॉस्पिटल में सही समय पे नहीं लेके पहुंच पाया, सही समय पे वहां ना पहुंचने से रोगी की जो है खून के अभाव में मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु होने से घर के लोग जो और थे वो भी रो रो करके सबका बुरा हाल हो गया, उसमें भी दो लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में जिसकी गाड़ी जिसकी साइकिल से टक्कर हुआ और वो थैला नीचे गिरकर फटा, उसको कितना दोषी माना जाए? ठीक है, क्या वो उस व्यक्ति की मृत्यु तक जो हॉस्पिटल में भर्ती था, क्या उसके दुख को उसकी मृत्यु को सुन के जो और लोग थे रो रो के जिनका बुरा हाल हुआ, जो लोग भी मर गए, उन लोगों की मृत्यु तक उसे दोषी ठहराया जाए, या जिसके साइकिल से लड़ा केवल उसको जितना नुकसान हुआ उसके लिए दोषी ठहराया जाए? तो इसी को कहते हैं क्षति की दूरस्थता, यानी किसी क्षति से कितने दूर तक किसी को दोषी माना जाए। इसी पे एक सिद्धांत आता है, ठीक है, पड़ोसी का सिद्धांत। पड़ोसी यानी हम अपने अपकृत के लिए वहां तक दायी होते हैं जो हमारे पड़ोसी लोग होते हैं। ठीक है, पड़ोसी का मतलब पट्टीदार लोगों से मत सोचिएगा, पड़ोसी का मतलब है कि हमारे कार्य से जो डायरेक्ट प्रभावित होते हैं उन लोगों के नुकसानी के लिए भी हम दायी होते हैं। यानी अगर मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान होना निश्चित रूप से तय है, तो वो चाहे हमारे पास में बैठा हो या हजार किलोमीटर दूर बैठा हो, उसके लिए भी हम दोषी हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक कंपनी थी, वो कंपनी कोको कोला की कंपनी है, उसने बॉटल में कुछ जो है जहरीले पदार्थ भर दे कोको कोला के नाम पे, वो गलती से हो गया। ठीक है, गलती से जो है उसमें पेंट के भी काम होते थे, तो कुछ केमिकल्स रखे हुए थे जो उसमें कोको कोला वाले बॉटल में, ठीक है, या पेप्सी वाले बॉटल में वो गलती से चले गए। अब वो बॉटल वहां तो पैक हो गया, उसके बाद वहां से अन्य गोदामों में गया, गोदामों से काफी दूर तक गया, और फिर वो कस्टमर के हाथ में मान लेते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद पहुंचा, और जब कस्टमर ने पिया तो कस्टमर के पीने से उसकी मृत्यु हो गई। कस्टमर मालिक को तो बिल्कुल जानता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि उस मालिक के कंपनी की गलती की वजह से ही उसका नुकसान हुआ, तो क्या कंपनी को उस अपकृत के लिए दोषी माना जाए या नहीं? अगर जानबूझ के भरे हैं तब तो ये मर्डर के केस के लिए दोषी हो जाएंगे, अनजान में अगर हुआ है तो अपकृत के लिए दोषी होंगे। तो क्या दोषी ठहराया जाए उन सभी पीने वालों को जिससे उसको नुकसान हुआ है, या केवल जिसको उसने सप्लाई किया उसके लिए नुकसानी होगी? तो इसी को क्षति की दूरस्थता कहा गया है कि क्षति होने से कितनी दूर तक, क्योंकि हर एक क्षति के बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। ठीक, जैसे मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालते, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर वैकेंसी ना निकाल दे, मान लेते हैं पीसीएस जे के लिए 4 अटेम्प्ट और 35 साल की बाध्यता की गई है। ठीक है, हाँ, ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग बात है, थोड़ी सी छूट है एज में, लेकिन जनरल वर्ग के लिए तो कोई छूट नहीं है एज में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2018 में पीसीएस जे की वैकेंसी निकाली थी। 2018 में वैकेंसी ना निकालने के बाद से, यानी 2022 चल रहा है, 4 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई। इस 4 साल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की द्वारा वैकेंसी ना निकालने से कुछ लोग ओवर एज हो गए। जो ओवर एज हो गए, ठीक है, उनकी ओवर एज होने की वजह से उनकी शादियां रुक गई, या उनकी शादी फिर काफी कमजोर घरों में हुआ जहां वो सोच रहे थे काफी बड़ा अच्छे घर मिल जाएंगे, अच्छे दहेज मिल जाएंगे, अच्छी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, अंत में उनको जो है ओवर एज हो गए, फॉर्म भर नहीं पाए, ठीक है, मजबूरन उनको छोड़ना पड़ गया तैयारी, घर पे जा गए या प्रैक्टिस करने लगे, मतलब स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई, जो एक भविष्य सोचे थे वो खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान हुआ, घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती चली गई, अच्छी शादी नहीं हो पाई, फिर जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो पाई, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाए, तो वो सब जो उनको नुकसान हुआ उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार होगी कि नहीं जिम्मेदार होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार के गलत जो है फैसले से इस तरह से बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो दूरगामी प्रभाव के लिए कहां तक कौन दोषी होगा, उसी को क्षति की दूरस्थता के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सिद्धांत है। आगे है, जैसे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से आपने जेल में बंद करवा दिया, उसके जेल में बंद करवा देने से, ठीक है, घर का इनकम कम हो गया, इनकम कम हो जाने से बहुत सारे जो है कार्य बंद हो गए, कार्य बंद हो जाने से कुछ और नुकसान हुआ, बच्चों को स्कूल में दाखिला जो लेना था दाखिला नहीं ले पाए, उनको जो है अक्षम हो गए, मतलब साक्षर नहीं हो पाए, तो दूरगामी प्रभाव होते चले गए। तो ऐसे दूरगामी प्रभाव के लिए
क्या जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को सदोष तरीके से जेल में बंद करवा दिया था वो सारे परिणामों के लिए दोषी होगा या नहीं दोषी होगा, तो इसी पे चर्चा की जाएगी। फिर है सामान्य अपवादी, अपकृत कब कब लागू नहीं होता है, इसके क्या एक्सेप्शन है, अपवादिक नियम क्या है, जैसे जो है दुर्घटना हो गई हो, असंभावी दुर्घटना जिसको कहते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा आ जाने से, जैसे मान लेते प्राकृतिक आपदा आ गई, इतना ज्यादा आपदा आ गया कि किसी मकान पे ही कोई तार गिर गया, उस मकान पे तार गिर से पूरा मकान धराशायी हो गया, उस मकान के गिरने से पड़ोसी का जो है गाय दबके मर गई, तो पड़ोसी के गाय के दबके मर जाने से क्या जिसका मकान पे वो बिजली का तार गिरा वो दोषी होगा कि नहीं दोषी होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं जो हो जाती हैं, जो मानवीय कार्य से दुर्घटना हो जाती है, जो भूल बस हो जाती है, जो अक्षम बच्चे हैं, ठीक है, इन सब में जो है कब किसको छूट मिलेगा कब नहीं छूट मिलेगा, कुछ तो छूट हर कंडीशन में मिलनी चाहिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा में मैंने कोई कार्य किया है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, तो अपकृत का नियम वहां लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो ये जनरल एक्सेप्शन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अपकृत के लिए रेमेडी क्या मिलती है, उपचार क्या दिया जाता है, तो उसको भी सैद्धांतिक पक्ष में पढ़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद इधर व्यवहारिक पक्ष है, यानी किन किन दोषपूर्ण कार्यों के लिए हम अपकृत का केस फाइल करते हैं। हाँ, अपकृत का केस जब फाइल किया जाएगा तो इसके लिए भी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ही मुकदमा चलेगा, यानी पूरी प्रक्रिया सीपीसी का ही लागू होता है, ठीक। व्यवहारिक पक्ष में शरीर के विरुद्ध होने वाले अपकृत हैं कि शरीर के विरुद्ध कौन कौन से कार्य हैं जो अपकृत की श्रेणी में आते हैं, ठीक, तो है हमला, हमला करना अगर वो अपराध की श्रेणी में जा रहा है तो आपराधिक दायित्व होगा, अन्यथा वो हमला यहाँ अपकृत लायबिलिटी भी बनती है। संप्रहार करना यानी बल का प्रयोग करना, मिथ्या कारावास, ठीक है, संप्रहार को बैटरी भी यहाँ कहा गया है, मिथ्या कारावास, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कोर्ट को जेल में बंद करवा देना फर्जी आरोप लगाकर, ये सब बहुत होता है, ठीक है। हाँ, क्रिमिनल केस भी बनेंगे और क्रिमिनल केस के साथ साथ यहाँ पे टार्टियस लायबिलिटी भी होती है। सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध कर लेना, रैंकफुल कन्फाइनमेंट, रैंकफुल रिस्ट्रेंट करना, ठीक है, ये सब शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध। उसके बाद कठोर एवं पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी संख्या की दृष्टि से। और फिर है उपेक्षा, उपेक्षा पूर्ण किए गए कार्य से, ठीक है, अगले को अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी टार्टियस लायबिलिटी हमारी बनती है। फिर है अतिचार, अतिचार का मतलब होता है एक तरह से, ठीक है, विदाउट परमिशन के किसी व्यक्ति के परिसर में प्रवेश करना, चाहे वो घर हो या उसका कोई चार दीवारी वगैरह हो, ठीक। फिर मानहानि, किसी का मानहानि करना अपराध भी होता है, कुछ दशाओं में वो सिविल लायबिलिटी भी बनती है, यानी यहाँ पे टार्टियस लायबिलिटी भी बनता है मानहानि में। न्यूसेंस, न्यूसेंस यानी जिसको उपताप कहते हैं, यहाँ भी टार्टियस लायबिलिटी होता है, ये अपराध भी बनता है, आईपीसी की धारा 268 में डिफाइन है, ठीक। फिर विद्वेषपूर्ण अभियोजन, यानी एक तरह से विधिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करना, किसी व्यक्ति पे फर्जी केस लगवाना, ठीक है, बहुत बड़े पैमानों पे हमारे देश में व्याप्त है इस समय, फर्जी केस लोगों पे लगवाना, नेताओं पे फर्जी केस लगवाना, नेताओं के द्वारा लोगों पे फर्जी केस लगवाना, ये सब बदले की भावना से बहुत ज्यादा फर्जी केस लगाए जाते हैं, पैसा ले करके थाने पे फर्जी केस लगा देना, फर्जी व्यक्तियों का नाम दर्ज कर देना, तो ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन अगर इस तरह से किया गया है तो ये बात सही है कि यहाँ आपराधिक दायित्व भी बनते हैं और सिविल लायबिलिटी भी बनती है टार्टियस लायबिलिटी के तहत। उसके बाद है तंत्रिकाघात, ठीक है, तंत्रिकाघात का मतलब होता है कि किसी को मानसिक आघात हो गया आपके गलत पूर्ण कार्य से, जैसे आपने किसी को डरवा दिया एकाएक और आपके डरवाने से वो व्यक्ति एकाएक उसका हार्ट फेल हो गया, या वो गर्भवती महिला थी, ठीक है, मिसकैरेज हो गया, तो ये सब क्या है, तंत्रिकाघात में आएंगे। एकाएक आपकी गाड़ी से जोरदार टक्कर हुआ किसी के घर के सामने और वहां कोई प्रेग्नेंट महिला थी, ठीक है, उसका मिसकैरेज हो गया उस डर को देख करके, ठीक है, कहीं किसी व्यक्ति की जो घटनास्थल पे मृत्यु हो गई थी, घटना से इतना ज्यादा खून फैला हुआ था, वहां पे कोई महिला गई या कोई व्यक्ति गया, देखा वो बेहोश पड़ गया,
ठीक है, तो उसको नुकसान होगा। तो ये सब तंत्र का घात में आते हैं, इस तंत्र का घात के लिए भी टाइटस लायबिलिटी बनती है। तो पूरे पे हम लोग अब क्या करेंगे, एक एक वीडियो के माध्यम से पहले सैद्धांतिक पक्ष पे चर्चा की जाएगी, फिर व्यवहारिक पक्ष पे चर्चा की जाएगी। हाँ, आप लोग चैनल पे यदि नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पुराने हैं नए किए हैं तो भी कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आपको इस पे ठीक है वीडियो में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ फिर व्यवहारिक पक्ष पे भी बना के उपलब्ध कराता हूँ।